गिरिडीह, अवैध रूप से बालू उठाव और कारोबारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन स्पेशल टीम गठित करने छापेमारी अभियान को तेज किया। डीसी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत शास्त्री नगर एवं बनखंजो स्थित उसरी नदी घाट पर छापेमारी करते हुए अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे 10-12 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। अभियान का नेतृत्व गिरिडीह सदर SDM प्रेरणा दीक्षित कर रही थी, जबकि छापेमारी दल में प्रशिक्षु IAS मौर्याज, SDPO अनिल सिंह, खनन विभाग के अधिकारी, पचम्बा थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे। पदाधिकारियों की टीम ने बालू घाट पर पहुंचकर अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे लोगों को खदेड़ा। कार्रवाई के दौरान मौके पर 10 ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उन्हें जब्त कर थाने लाया गया। हालांकि पदाधिकारियों की टीम को देखते ही ट्रैक्टर चालक एवं बालू उठा रहे अन्य लोग मौके पर से फरार होने लगे। जानकारी के अनुसार कुछ चालकों को खदेड़कर हिरासत में लिया गया है। मौके अधिकारियों ने कहा कि अवैध रूप से बालू उठाव की सूचना मिल रही थी, जिसके विरुद्ध टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कहा कि बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा, धंधे में शामिल लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है, जांच पड़ताल कर धंधेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।